वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। शहर के हीरानगर इलाके में दो पड़ोसी परिवारों में किसी बात पर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई, कुछ लोग घायल भी हो गए। इस दौरान चाकूबाजी की भी जानकारी मिली है। इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। थाना प्रभारी सतीश पटेल के अनुसार हीरानगर थाना क्षेत्र के मेघदूत नगर में रात को ये घटना हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि विवाद सिगरेट पीने को लेकर हुआ। इसके बाद दोनों परिवार आमने सामने हो गए। कहा सुनी के बाद मारपीट आरंभ हो गई। महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ जमकर हाथ चलाए। सड़क पर ही दोनों परिवारों में लात घूसों के साथ जहां लाठियां चली, वहीं चाकू निकाले जाने की भी बात सामने आई है। मारपीट में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने घटना के बाद रात में दोनों पक्षों का मेडिकल करवाया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचे, मुक्के और थप्पड़ भी मारे, वहीं लाठियों से भी मारपीट हुई। TI सतीश पटेल के मुताबिक मेघदूत नगर में रहने वाले अनिकेत चौहान के घर के बाहर पड़ोस में रहने वाला लोकेंद्र वर्मा और उसका दोस्त सिगरेट पी रहे थे। इसी बात को लेकर अनिकेत ने आपत्ति जताई। इसे लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के घर वाले भी बाहर निकल आए और बीच रोड पर गुत्थम गुत्था हो गए। घर की महिलाओं में भी हाथापाई हुई। इसी दौरान अनिकेत चाकू निकाल लाया था। हमले में लोकेंद्र के साथ दूसरे लोग घायल हुए हैं। लोकेंद्र की शिकायत पर अनिकेत और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से लोकेंद्र और उसके साथी आरोपी बनाए गए हैं। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।